कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर वही कहानी मेयर पति और मुखिया पति जैसे हो जाएगी, अजय प्रकाश ही मेयर की भूमिका अदा कर रहे हैं और बिना जी तो सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। पटना की सेवा करना है। जहाँ जहाँ जिस जिस दायित्व में मैं रहा हूँ वहाँ बड़े ही दृढ़ता के साथ किसी भी कार्य को मैं करता हूँ। तो यही जनमानस जो हमसे नज़दीक में रहे लोगों को लगा और उन लोगों ने कहा तो मेयर के रूप में मैं आया। सर्वेक्षण कराने के उपरांत, मेरा तो जन्म कर्म यहाँ है, मैं भी सारी समस्याओं को जानता हूँ। सर्वेक्षण कराने के उपरांत पटना की बहुत सारी समस्याओं के बारे में हम लोगों को जानकारी हुई। उसके बाद समस्या बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब लोग बताते हैं। मैंने समाधान बताने का कार्य किया और अपने संकल्प पत्र के माध्यम से सभी जनमानस के बीच में मैंने सभी का जो भी समस्याएँ हैं उनका समाधान बताते हुए उसका वितरण भी किया, जिससे कि जनमानस सहित नगर निगम के लोग भी जाने। और कई हमारे समाधान पर अंतिम प्रस्ताव जो नगर निगम की बैठक हुई उसमें कई प्रस्ताव पर मुहर भी लगा। ये अलग बात है कि अब जो नए मेयर आएंगे तो बजट का प्रावधान करेंगे और वो इम्प्लीमेंट होगा, जैसे चिकित्सक आपके द्वार, ई रिक्शा, रिचार्जिंग पॉइंट, महिलाओं के लिए टॉयलेट, अलग कलर का टॉयलेट हो और महिलाएँ उसकी व्यवस्था करें, तब महिलाएँ यूज कर सकें। इस तरीके से समस्या है तो उसका निदान भी करना पड़ता है। तो निदान को एक प्लान्ड वे में और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अब जो मेयर आएंगे वो करेंगे। तो इसकी तैयारी तो हमारी चली रही थी, ये सारी बातें जनमानस देख रही है और इसके आधार पर निश्चित रूप से हम लोग बहुत बड़े अंतर से जीतने की स्थिति में हैं। सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया और विधिवत श्रीमती वीणा कुमारी जी, जो कि बिहार कृषि योग कॉलेज की कोषाध्यक्ष, वो इस चुनाव में आएंगी और मेयर प्रत्याशी के रूप में रहेंगी। और जनमानस का प्यार जिस प्रकार मुझे मिलता रहा है, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जब जब जहाँ जहाँ इस संस्थान में भी वो मेरे साथ रहीं, मैं उनके साथ रहा और ये संस्थान बहुत ऊंचाई तक गया, तो मेयर के रूप में संवैधानिक रूप से वो रहेंगी। वीणा जी मेयर चुनी जाती हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर वही कहानी मेयर पति और मुखिया पति जैसे हो जाएगी, अजय प्रकाश ही मेयर की भूमिका अदा कर रहे हैं और वीणा जी? मेरा जो कार्य रहा है वो सेवा कार्य रहा है। निश्चित रूप से मैं कहीं जहाँ सेवा दे रहा हूँ वहाँ रहूँगा। और भी ईश्वर ने जो जनता का प्यार मुझे दिया है, चाहे तिरंगा यात्रा की बात करें, गंगा आरती की बात करें, मतलब एक इतिहास रचा गया है। 50,000 की संख्या तिरंगा यात्रा में, 35,000 की जनसंख्या गंगा आरती में, ये जन सैलाब उमड़ पड़ा है, तो सेवा करने के कारण ही हुआ है। निश्चित रूप से जनता की सेवा तो मैं करता ही रहूँगा। अगर मेयर के रूप में, मैंने पहले भी बताया, वीणा कुमारी जी अगर ज़रूरत महसूस करेंगी मेरा राय लेने का, तो निश्चित रूप से मैं वहाँ भी उपस्थित रहूँगा, क्योंकि सेवा करना मेरा कार्य है। मेयर पति नहीं या मेयर पत्नी नहीं, वो अपने स्थान पर, मैं अपने स्थान पर, लेकिन विचार विमर्श तो होता ही ना है, हम लोग को तो साथ काम करने का आदत लगा हुआ है।